रूह की बीमारियां और उनका इलाज। इरशादात अख्तर, कल इसी सफे पर हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब मद्दज़िल्लुह कराची के इरशादात की पहली किस्त दी गई थी। आज दूसरी किस्त मुलाहजा फरमाइए। मोहम्मद रिजवानुल कासमी, जिक्र में तासीर दौरे जाम है, अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। जिक्र दरअसल एक कुंजी है जिससे दिल का कुफल खुलता है, ताहत और फर्माबरदारी में जी लगता है और इसके लिए जज्बा पैदा होता है। फिर इस कुंजी के दंदाने को भी दुरुस्त रखने की जरूरत है ताकि दिल का कुफल आसानी से खुले, कोई मुश्किल और दुश्वारी पेश ना आए। और जिक्र की कुंजी के दंदाने को दुरुस्त रखने का मतलब यह है कि जिक्र फिक्र तौबा को खुशू व खुजू के साथ किया जाए। ऐसे ही जिक्र के खातिर ख्वाह असरात मुरतब होते हैं। जिक्र की कुंजी की जो बात मैंने कही वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि इसकी दलील हदीस में मौजूद है। इरशाद है, अल्लाहुम्मा इफ्तह अक़फ़ाला क़ुलूबिना बिज़िक्रिक, अल्लाहुम्मा इफ्तह अक़फ़ाला क़ुलूबिना बिज़िक्रिक, यानी अल्लाह हमारे दिलों के तालों को खोल दे अपने जिक्र के जरिए। फरमाए जिक्र में सिर्फ कमियत यानी मकदार और तादाद मतलूब नहीं है बल्कि कैफियत भी मकसूद है, यानी अल्लाह का ख्याल और ध्यान जिस कदर जिक्र में जमाया जाएगा उसी कदर जाकिर को नफा और फायदा होगा और उतनी ही इसके अंदर ताकत और कुव्वत पैदा होगी। देखिए लोमड़ी किस कदर बुजदिल और डरपोक है, लेकिन शेर अगर उसकी पुष्ट पर हाथ फेर दे और ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो उस वक्त लोमड़ी चीते का जिगर भी निकाल सकती है और इसके लिए उसके अंदर हिम्मत पैदा हो सकती है। इसी तरह जाकिर के साथ अल्लाह की मदद और नुसरत होती है और किसी हाल में तन्हाई महसूस नहीं करता बल्कि नूर जिक्र की बरकत से जाकिर अपने कल्ब में हक तआला का खास ताल्लुक महसूस करता है जिसको मशाइख मईयत खासा कहते हैं। मईयत आम तो हर मुसलमान को हासिल है। फरमाए कि अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के शेर जिक्र के सिलसिले में बड़ा हकीकत आफरी और हलावत आमेज है। नाम लेते ही नशा सा छा गया, नाम लेते ही नशा सा छा गया, जिक्र में तासीर दौरे जाम है, जिक्र में तासीर दौरे जाम है। मोहब्बत के लिए मारिफत जरूरी है। फरमाए कि फर्ज कीजिए किसी का बाप उसके बचपन ही में बाहर चला गया हो, अब 30 साल बाद उसको लौटने की इत्तला मिली है, दिन तारीख और वक्त मुकर्रर है, बेटा अरसे दराज के बाद बाप की आमद से खुशी व मुसर्रत से सरशार है, लेकिन वो अपने बाप को पहचानता नहीं। उसे ख्याल आता है कि ऐसी सूरत तहरान गाह पर इस्तकबाल के लिए जाने से भी क्या फायदा। दूसरे ही लम्हे उसके जहन में गूढ़े और कमजोर आदमी का नाम आता है जो उसके बाप का सूरत आशना है, बड़ी मिन्नत और समाजत के बाद तहरान गाह चलने के लिए उसे आमादा कर लेता है। तैयारा आया, लोग उतर कर बाहर आने लगे, बेटा जिस बूढ़े को अपने हमरा लाया था वो एक गोशे में बैठा है। इतने में तैयारे से उतरकर एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है जो अपने बाप को लेने आया हुआ था। बूढ़ा मुसाफिर उससे ख्वाहिश करता है कि मैं निहायत कमजोर हूँ, कई रोज के सफर से चकनाचूर हूँ, लिल्ला आप थोड़ी देर के लिए मेरे इस सामान को संभाल ले और किसी तरह टैक्सी तक पहुँचा दीजिए। वो आदमी उस पर झुंझलाता और गुस्से में आता है और कहता है मैं खुद अपने वालिद मोहतरम को लेने आया हूँ और उनके साथ भी सामान होगा। जब निहायत तलखी और तुष्ट रोई से वो उसे जवाब दे रहा था, इतने में गोशे में बैठे हुए बूढ़े की नजर उस मुसाफिर पर पड़ती है। वो लड़के से कहता है यही तो आपके वालिद हैं। अब एक ही लम्हे में उस लड़के का अंदाज बदल जाएगा। तारुफ हो जाने के बाद अपने तलख जवाब पर नदामत और शर्मिंदगी और लजाजत के साथ कहेगा अब्बा जान माफ कीजिए, पहचाना नहीं। सामान का उठाना तो कुछ आ, आप मुझ पर सवार होकर चलिए, मैं आप पर अपनी सौ जान निसार करता हूँ। गौर कीजिए, जब तक मारिफत नहीं थी मोहब्बत नहीं थी, जब मारिफत हो गई तो मोहब्बत पैदा हो गई। अब अपने महबूब पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। यही हाल अल्लाह का है। जब तक अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं होगी मोहब्बत पैदा न होगी, और जब तक मोहब्बत पैदा न होगी उस वक्त तक अल्लाह के लिए किसी काम को करना और न करना आसान न होगा। और अल्लाह की मारिफत अहले मारिफत की सोहबत में उठने बैठने और उनसे ताल्लुक पैदा करने से आएगी। चुनाचे कुरान मजीद में इरशाद हुआ है अर्रहमान फसअल बिही खबीरा, वो बड़ी रहमत वाला, सुपूछ उससे जो उसकी खबर रखता है। यानी रहमान की अजमत को हर शख्स क्या जाने, उसका इल्म तो बाखबर लोगों को ही है। ऐसे ही बाखबर के जरिए उसकी मारिफत और मोहब्बत हासिल हो सकती है। इसके बगैर ये राह बड़ी पुरपेज मुश्किल और कठिन है, हर कदम पर बहकने का खतरा लाहिक होता है। इसलिए किसी बाखबर से ताल्लुक पैदा करना चाहिए ताकि वो भी बाखबर बने। उनसे मिलने की है यही एक राह, उनसे मिलने की है यही एक राह, मिलने वालों से राह पैदा कर।
تزکیہ کی ضرورت. فرمایا کہ تزکیہ نفس ضروری ہے, ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے. قرآن مجید میں ہے قد افلح من زکاہا, تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کو سوار لیا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تزکیہ چونکہ فعل متعدی ہے اس لیے مفعول کے ساتھ فاعل کی ضرورت ہے, یعنی مزکی کی جو اس کا تزکیہ کرے. جس طرح مربع جو حکیموں کے ہاں ملتا ہے اس کے لیے مربی کی ضرورت ہے. 4 جمادی الاول 1397 مطابق 23 اپریل 1970 شیخ سے مناسبت ضروری ہے. فرمایا کہ جب آپ نے تزکیہ اور شیخ کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھ لیا تو اس حقیقت پر بھی آپ کی نظر رہنی چاہیے کہ شیخ کے انتخاب میں جلدی نہ کی جائے, بلکہ پہلے اس سے ربط و تعلق قائم کر کے مناسبت دیکھ لی جائے اور یہ معلوم کر لیا جائے کہ مزاج و طبیعت کی ہم آہنگی ہو سکے گی یا نہیں. جب اس حیثیت سے اطمینان ہو جائے تو بیعت کر لے, اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ اور نفع ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی اصول تھا, جب تک آپ کی طبیعت سے کسی کو مناسبت نہ ہو جاتی اس وقت تک سلسلہ بیعت میں داخل نہیں فرماتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈاکٹر کسی مریض اور کمزور کو خون چڑھاتا ہے تو ہر دو خون میں مناسبت دیکھ لیتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر دونوں خون میں مناسبت نہیں ہوگی تو جسے خون چڑھایا جا رہا ہے اس کے لیے ضرر و نقصان کا باعث ہوگا, بلکہ زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو سوچئے جب جسمانی زندگی کے لیے مناسبت ضروری ہے تو کیا روحانی زندگی کے لیے مناسبت کی ضرورت نہیں ہوگی؟ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس زندگی کے لیے پہلی زندگی سے کہیں زیادہ مناسبت کی ضرورت ہے, اس لیے ایک طالب حق کو لازمی طور پر اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.